और दूर से चल के आए हमारे नौजवान साथी, बिहार की तमाम जनता, आज एक समझिए कि बहुत बड़ा पर्व का आयोजन किया गया है। और ऐसा पर्व है कि हमारे पास सबसे अनमोल रत्न है, वो अनमोल रत्न है जो कि मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं। वो अनमोल रत्न है तेजस्वी प्रसाद यादव। और साथ ही साथ हम लोग विचारधारा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दोनों भाई जन विश्वास यात्रा के दौरान हम लोगों ने घूमने का काम किया और सभी नौजवानों को एकत्रित करने का काम किया, जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया, वो 17 साल में पलटू राम ने कुछ नहीं करने का काम किया। तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि आगे राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं और सभी नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, अभी सारे विधायकगण, सारे पूर्व विधायक, सारे पदाधिकारीगण, तमाम लोग और बिहार की तमाम जनता, भाजपा को भगाना है, भाजपा को भगाना ही नहीं, भाजपा को खदेड़ना है। तो इसलिए हम आप लोग को कहना चाहते हैं कि पूरे तरीके से पूरे बिहार के लोग और जो बिहार से बाहर भी जो लोग थे वो लोग भी यहाँ आ गए, यहाँ तक कि हमारी जो बहन है जो सिंगापुर में रहती है रोहिणी आचार्य जी, वो भी यहाँ उपस्थित है। हमारी बड़ी बहन जो है मीसा भारती जी भी यहाँ उपस्थित है। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे तरीके से आप लोग गोलबंद होकर के इंडिया महागठबंधन पे एक बार भरोसा करने का काम कीजिए। हम ये कहना चाहते हैं जो पिछले बार जो इंडिया महागठबंधन जो बना और अभी जो चल रहा है, और इंडिया महागठबंधन को जो नेता छोड़ के गया वो बाद में पछताएगा। तो ये हम कहना चाहते हैं, आप लोग सारे लोग गोलबंद होइए और संविधान को हम लोग मिटने नहीं देंगे। जो संविधान मिटा रहा है उसको मिटा करके हम लोग रहेंगे। और जितने भी हमारे दलित भाई हैं, अति पिछड़ा भाई हैं, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने का काम कीजिए। मैं जानता हूं कि ये आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग जो है वो पूरे तरीके से फैला, इसी के लिए हमने अपना डीएसएस बनाने का स्थापना किया है, धर्म निरपेक्ष सेवक संघ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। मैं खुद गया, हमारे लोगों को रोकने का काम किया, क्योंकि ये आज नरेंद्र मोदी आए थे क्योंकि वो डर चुके हैं पूरे तरीके से, वो डर चुके हैं क्योंकि आज लालू जी यहाँ से गरजने वाले हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोग से, जितने नौजवान हैं जो हमारी विचार है रोजगार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जो वादा किया है रोजगार का, वो हमने रोजगार देने का काम किया है। और ये जो सरकार एक टिप्पणी कर रही है, जगह जगह पे पोस्टर लगवा रही है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है, रोजगार का मतलब है इंडिया महागठबंधन, रोजगार का मतलब है तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। तो हम ये कहना चाहते हैं सारे लोगों को रोजगार मिला, आप लोग सब लोग को रोजगार मिला, सारे लोग इसके साक्षी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जो सरकार है उसको हम लोग को खदेड़ देना है।